गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का नंबर इसकी टीचर पुष्पा सिंह। अब आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, कंप्लीट द गिवन फिगर एंड काउंट द लाइन एंड राइट द नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। देखिए, पहला पूछा है स्लाइड हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व लाइन। अभी आप जानते नहीं है क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये ऐसे, जैसे ये इतना, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये है वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं? अगर ऐसे लाइन खींचते हैं आप तो ये हो जाएगा वर्टिकल। मीन्स देखिए, ये लाइन आपकी है हॉरिजॉन्टल और ये लाइन है आपकी वर्टिकल। आई बात समझ में? और ये लाइन है आपकी स्लैगिंग और ये लाइन है कर्व। आई बात समझ में? देखिए, ये लाइन है आपकी, ऐसे बताते हैं आपको, ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन, ये क्या हो गई? वर्टिकल। ये हो गई हॉरिजॉन्टल और ये हो गई स्लैगिंग लाइन और ये हो गया कर्व। आई बात समझ में? अब देखिए, वर्टिकल लाइन क्या है? वर्टिकल ये, वर्टिकल लाइन क्या है? ये हॉरिजॉन्टल, ये स्लैगिंग, ये कर्व, ऐसे। डू यू अंडरस्टैंड क्या है? ये कौन सी लाइन है? दिस इज वर्टिकल लाइन। क्या है? ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा? वर्टिकल। और ये हॉरिजॉन्टल और स्लैटिंग टेढ़ा। स्लैटिंग क्या होगा? टेढ़ा। इसको वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को स्टैंडिंग, स्टैंड खड़ा है ना, तो वर्टिकल लाइन को हम स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? एंड स्लैटिंग लाइन टेढ़ी तिरछी रहती है, इसको क्या बोलते हैं? स्लैटिंग। और कर्व लाइन मुड़ती हुई रहती है, कर्व। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब आपके जो ये बुक दिया है, ये फिगर दिया है, पहला आपको लिखा हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। अब बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं? ऐसे जो स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स स्लीपिंग लाइन। तो ये वन एंड ये टू, ये क्या हो गया? ये है हॉरिजॉन्टल लाइन टू। नेक्स्ट है स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन में आपको पता है तिरछी हो, तो ये है ए वन एंड टू, ये क्या हो गया? ये स्लैंटिंग लाइन है। आई बात समझ में? यहाँ आप लिख दीजिए टू। फिर क्या पूछा? वर्टिकल, वर्टिकल लाइन में हम आपको क्या बताए थे? वर्टिकल लाइन को स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं, तो स्टैंडिंग कौन सा है? वन एंड टू, यहाँ पे आप लिख दो इसको टू। एंड कर्व लाइन, कर्व लाइन बताया कि कैसे कर्व ऐसे मुड़ते हुए रहता है, तो ये क्या हो गया? ये है आपका कर्व लाइन। आई बात समझ में? तो कर्व लाइन कितनी है? ए। समझ में आया? देखिए, कोई आपसे पूछता है कि वर्टिकल लाइन कौन सी है, तो इसमें वर्टिकल लाइन कौन सी है? वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन। वर्टिकल लाइन को स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। तो स्टैंडिंग ये है, स्टैंडिंग मीन्स ये स्टैंड, खड़ा होना, तो मीन्स स्टैंडिंग लाइन ये, स्टैंडिंग लाइन वन एंड टू। आई बात समझ में? नहीं नहीं ये भी तो है स्टैंडिंग लाइन, वन टू थ्री फोर। स्टैंडिंग लाइन कितनी है? देखिए, वन टू थ्री फोर, यहाँ पर आप लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन। स्लैटिंग नहीं, कौन सा? हॉरिजॉन्टल, सॉरी सॉरी, हॉरिजॉन्टल ना, स्लीपिंग लाइन ना, स्लीपिंग लाइन। और हॉरिजॉन्टल मीन्स पहले देखिए क्या होता है, स्लीपिंग लाइन, तो स्लीपिंग लाइन वन और टू। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स होता है, वर्टिकल लाइन मीन्स
नोटबुक डाउन बुक में करिए, नोटबुक में करिए, फिर आप उसके ग्रुप में भेजिए, देखिए सही होता है, फिर मैं आपको पक्का चेक भी करूँगी। आई समझ में, सबको समझ में आया, क्लियर हो गया एक्सरसाइज फोर। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मींस होता है स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये और ये, वर्टिकल लाइन मींस होता है ऐसे स्टैंडिंग लाइन, तो 1 2 3 4 स्लाइडिंग लाइन 1 2 कर्व लाइन 1। आज समझ में सबको? चलिए अब मैं कल आप लोगों को बताऊंगी 3D शेप्स, सॉलिड फिगर 3D शेप्स बताऊंगी, एक्सरसाइज 4.3। आ रहा समझ में? कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 बताऊंगी, इसको करिए। ओके, बाय बाय।